इलेक्शन रिजल्ट्स फुल ऑन है और कैंडिडेट्स पे सट्टा लगाने वाले कुछ लोग तो खुशी से फूले नहीं समा रहे और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वो कह रहे हैं इसकी तो इतने परसेंट चांस थी जीतने की पर ये क्यों नहीं जीता। एक्चुअली में जो भी लोग ऐसी बातें बोलते हैं वो प्रोबेबिलिटी को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता तो आप लोग भी इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्रोबेबिलिटी फॉर एन इंडिविजुअल इवेंट इज एसेंशियली मीनिंगलेस। ये देखिए इकोनॉमिस्ट फ्रिट्स मार्कलूप ने क्या कहा था, कह रहे व्हेन आई से इट विल रेन टुमारो विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 30% दैट डज नॉट मीन एनीथिंग फॉर द रेनफॉल टुमारो बिकॉज इफ इट रेन्स यू आर राइट एंड इफ इट डजंट रेन यू आर ऑल्सो राइट। क्योंकि आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई 30% चांस है कि होगी बारिश, तो अगर होगी तो आपने कहा हाँ देखो मैंने तो कहा था 30% चांस है, और अगर नहीं होगी तो आप कहोगे देखा मैंने तो कहा था 70% चांस है नहीं होगी। तो फिर इसका मीनिंग क्या है? फिर मीनिंग ये है कि अगर आप ऐसे रिपीटेड केसेस को लोगे, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे 1000 केसेस ले लिए जहां आपने बोला कि 30% चांस है कि बारिश होगी, तो ऐसा होगा कि उन 1000 में से अप्रोक्सीमेटली 300 केसेस में ऐसा होगा कि बारिश होगी और 700 केसेस में ऐसा होगा कि बारिश नहीं होगी। उस लेकिन कल के इंडिविजुअल इवेंट के लिए कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, उसके लिए आपका 70% 30% का फिगर एसेंशियली मीनिंगलेस है। तो जो लोग कहते हैं ना कि इस बॉल पे छक्का लगने के चांस तो सिर्फ 10% है, दे आर एसेंशियली टॉकिंग बुलशिट।